नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। आप सभी जानते ही होंगे कि इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी की रक्षार्थ के लिए भैरवनाथ से युद्ध लड़ा था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है। पुरानी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ कर चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागा। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। फिर वो वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर इसी बीच में भैरवनाथ भी वहां पे आया और उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकली और यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा की में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया और दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ की से क्षमा याचना भी करी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। तब उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आपको यह अद्भुत जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।